आज हम हैं अयोध्या नगरी के उस द्वार पर जहां यहां से करीब 7-8 किलोमीटर अंदर जाके श्री राम जन्मभूमि का वो स्थान है जिस पर मंदिर बनाने को लेकर कल यानी कि 25 नवंबर को एक बड़ी विराट धर्म सभा होने जा रही है। और आज बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ने इसी अयोध्या में एक सभा को संबोधित किया और सरयू की आरती की। वो अपने समर्थकों के साथ आए और जिस तरीके से देखिए आप दिखाइए इनके जो पोस्टर्स लगे हुए हैं पूरे फैजाबाद से लेकर अयोध्या में, ये लाखों पोस्टर उद्धव ठाकरे के उनके बेटे के लगे हुए हैं। जो उन्होंने एक मांग रखी कि तारीख बताइए सरकार से पहले राम मंदिर का निर्माण है। ये इधर भी पोस्टर लगे हुए हैं, बाल ठाकरे का बहुत बड़ा पोस्टर है और उद्धव ठाकरे का उनके बेटे का पोस्टर है। उन्होंने अपने साथ वो मुंबई से महाराष्ट्र से हजारों समर्थकों को लेकर आए हैं और जिस तरीके से पोस्टर उनके लगे हुए हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि जो विराट धर्मसभा के नाम पर भाजपा के या एबीपी के या बीएसपी के जो पोस्टर थे उन पोस्टरों को इन्होंने आउट नंबर कर दिया है। आज जब हमने पूरे शहर का जायज़ा लिया और यहाँ का अयोध्या का भी जायज़ा लिया तो यहाँ पर भी विराट धर्मसभा वाले या बीएसपी वाले पोस्टर से करीब 3 गुने ज़्यादा पोस्टर थे उद्धव ठाकरे के। तो ये उद्धव ठाकरे ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है और बीजेपी को एक संदेश देने की कोशिश की है कि राम मंदिर के मुद्दे पर हम आपसे अलग नहीं हैं, हम उसके साथ हैं। दूसरी बात, अभी यहाँ जो बैरिकेड लगा हुआ है ऐसे करीब यहाँ से अयोध्या की जो नगरी है या जो राम जन्मभूमि का स्थल है वो करीब 7-8 किलोमीटर अंदर जाके पड़ता है, लेकिन ये बैरिकेड 8-10 जगह लगाए गए हैं और लोगों को इतनी परेशानी हो रही है उसके बावजूद लोग लाखों की तादाद में यहाँ जुट चुके हैं और कल जो विराट धर्मसभा होनी है उसमें करीब 4 लाख लोग वहाँ उपस्थित होने की उम्मीद जताई जा रही है। जबकि पुलिस ने ऐसा इंतजाम किया हुआ है कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा आदमी किसी ऑटो वगैरह से नहीं जा सकता है, किसी वाहन से नहीं जा सकता है। अभी हम भी आए हैं और पूरा यहाँ 8-10 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा है, उसके बावजूद यहाँ जिस तरीके से लोग दूर दूर से आकर अपना सामान सर पे उठाए हुए जा रहे हैं, अपने बैग लेकर जा रहे हैं, पैदल चल के जा रहे हैं, लेकिन उनके जोश में कहीं कमी नहीं है और वो ये संदेश पूरी दुनिया को दे देना चाहते हैं क्योंकि कल की इस पूरी ये जो सभा होने जा रही है इसके ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें जमी हुई हैं, पूरे देश की निगाहें जमी हुई हैं कि कल 11 बजे जो विराट धर्मसभा एक होनी है उसमें कितने लोग आते हैं, वहाँ से क्या संदेश दिया जाता है। पुलिस की बड़ी भारी तादाद में पुलिस यहाँ लगी हुई है, पूरा इंतजाम पुलिस ने कर रखा है, उसके बावजूद लोगों की कोई कमी नहीं है, ना जोश में कमी है, ना उनके उत्साह में कमी है। वो पैदल चलकर जा रहे हैं, वो पूरा कष्ट उठाकर जा रहे हैं और वो ये दिखा रहे हैं कि राम लला के प्रति उनका जो आस्था है उसमें कोई किसी के डर से कुछ नहीं होने वाला, चाहे वो सरकार हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, वो किसी से न डर के राम लला के दर्शन करने के लिए, मंदिर की मांग उठाने के लिए वो जिस उत्साह के साथ जुट रहे हैं। और आज जिस उत्साह के साथ महाराष्ट्र के और मुंबई के आए हुए शिवसैनिकों ने यहाँ जुट के एक संदेश दिया है वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं, इनसे भी पूछने की कोशिश कर सकते हैं हम। आप यहीं रहते हो, ये जो कल सभा हो रही है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अरे कितने लोग आने की उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो बहुत लोगों की आने की है। अभी तक कितने आ चुके हैं आपके हिसाब? अभी तो सही नहीं बता पाएंगे हम। दो लाख आदमी लगभग 1 लाख आदमी इकट्ठा अयोध्या में हो सके, इकट्ठा हो सके। कल और आएंगे, कल ज़्यादा उम्मीद है, ज़्यादा से ज़्यादा अयोध्या वासी भी और बाहरी भी तमाम लोगों, देशवासियों की, विदेश के भी लोग। जगह जगह बैरिकेड लगे हुए हैं, लोग आने जा रहे हैं, इससे कितना कष्ट हो रहा है लोगों को? कष्ट बहुत नहीं है, जो आदमी लोकल है उसको जानकारी है, जो अदर बाहर से आ रहा है उसको जानकारी कम है, लोकल वालों को कोई कष्ट नहीं है। अयोध्या में सेम जैसा दिन था वैसे आज भी है। बाहर वालों को तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, दिक्कत हो रही है कुछ ना कुछ, लेकिन उनकी भक्ति में श्रद्धा है भगवान राम के प्रति, इसलिए वो आ रहे हैं। कल लगभग 4 लाख लोगों की, राम भक्तों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठा होगी, स्थानीय और बाहरी मिला के। आज जो उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से फैजाबाद में और पूरे अयोध्या में पोस्टरों की एक बाढ़ लगा दी उसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि
अब ठीक है, ठाकरे जी का स्वागत है, राम भक्त हैं, अयोध्या आए हैं, अयोध्या जनता की तरफ से उनका स्वागत है और राम की नगरी है ही है, सभी लोगों का यहाँ स्वागत है, नहीं किसी बिल्कुल है। आप क्या कहेंगे जी सर? क्या ये जो कल विराट धर्मसभा हो रही है, इसकी तैयारी पिछले एक महीने से करीब चल रही थी। जी जी। तो अभी कितने लोग यहाँ जुटने की आपको उम्मीद लग रही है? सर देश के हर कोने कोने से आए हैं अयोध्या में, और आप काफी सर हम यही अयोध्या जी अयोध्या वासी हैं, तो यहाँ पे तो श्रद्धालु अयोध्या के नाम पे आ रहे हैं और काफ़ी भक्त आ रहे हैं और सभा भी जोरदार होगी। और मंदिर कब तक बन जाना चाहिए? अब सरकार को संदेश यही जा रहा है कि वो जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण करें और इससे भक्ति का ज़्यादा प्रचार हो रहा है। सरकार को इस पर अध्यादेश लेकर आना चाहिए। जी जी अध्यादेश लाके उस मंदिर निर्माण करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? हम बिल्कुल सही सोचते हैं, अगर सरकार जो है एसटी एक्ट के ऊपर जो है अध्यादेश ला सकती है और तीन तलाक के ऊपर अध्यादेश ला सकती है तो क्या राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश नहीं ला सकती है? बिल्कुल ला सकती है। आप विराट धर्म सभा में कार्यकर्ता के तौर पे आप क्या सोचते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं और क्या इसका संदेश यहाँ से जाएगा और मंदिर कैसे बनेगा? मंदिर बनाने के लिए ही ये सोचा जा रहा है, हम लोग जो लगे हैं एक आस्था के उस पर लगे हैं कि जल्द से जल्द मंदिर निर्माण हो, क्योंकि सरकार बनने के बाद दोबारा चुनाव के पहले हम लोग चाहते हैं कि मंदिर बन जाए। हम ही नहीं, सब सारे राम भक्त ये चाहते हैं कि सरकार अब नया चुनाव जब हो उसके पहले मंदिर बन जाए। आपकी ड्यूटी किस काम पर लगी है? हमारी सुरक्षा में उसमें लगी हुई है। लोगों को आने की उम्मीद बताई गई है? अब वो तो जितना वो अनुमान है 2 लाख आदमी का अनुमान है। अब तक कितने लोग आ चुके हैं? अब ये जगह जगह मंदिरों में सब लोग टिकट ठहरे हुए हैं, अभी खाने पीने की व्यवस्था है, सबके आवास की व्यवस्था है, यातायात परिवहन रुकने की व्यवस्था है, इस तरह सारी व्यवस्थाएँ हैं और जगह जगह मंदिरों में काफ़ी राम भक्त आ चुके हैं। वो तो पूर्णतया कल होगा, हाँ कल दिखाई। तो यहाँ ये स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है कि जो जिस विराट धर्मसभा की तैयारियाँ पिछले एक महीने से चल रही थी और आज जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने आकर यहाँ पर एक नया उत्साह के साथ अपनी टीम को वो लेकर आए, अपने समर्थकों को लेकर आए, और कल जो यहाँ होने वाला है वो अपने आप में एक विचित्र माहौल यहाँ देखने को मिलेगा। पुलिस के बैरिकेड भी लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं, लाखों लोग वहाँ जुटने वाले हैं और उससे एक बड़ा संदेश पूरी दुनिया को जाएगा कि जब राम के मंदिर की बात आएगी तो राम भक्त किसी भी बाधा को पार करके उनके मंदिर बनाने के लिए एकजुट होकर संदेश देने के लिए अयोध्या नगरी में पहुँच रहे हैं और पहुँचेंगे और जय श्री राम का नारा बोलो। जय श्री जय श्री राम तो ये जय श्री राम के उद्घोष के साथ इन्होंने दिखा दिया है कि इनके जोश में कोई कमी नहीं है और कल जो जोश होगा वो पूरी दुनिया देखेगी कल यहाँ क्या होने वाला है। तब तक के लिए हम भी यहीं जुटे रहेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ और कैसे लोग जुट रहे हैं और किस तरीके से वो संदेश केंद्र सरकार को और पूरी दुनिया को दे रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री जय श्री राम जय श्री जय श्री राम 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 जय श्री राम।
ये मंदिर है ना।